रामचंद्र की, महाप्रभु जगन्नाथ की। भक्त साथियों, आप सबके साथ आज इस बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आज हमारी संस्कृति का, भारत का जो 500 वर्षों की गुलामी, 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों के बाद में आज भगवान श्री राम लला अपने सुंदर भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मेरे साथ भव्य तेज आवाज में बोलेंगे सिंह गर्जना की तरह, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिंह गर्जना होनी चाहिए साथियों, सारी दुनिया में सुनाई देना चाहिए भारत के गौरव का ये सिंहनाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, जो संस्कृति अपने गौरव में, अपने इतिहास में, अपनी धरती पर, अपने जीवंत संबंधों पर गर्व करती है, उसी संस्कृति को दुनिया में ऊंचा माना जाता है। आज 500 वर्षों के बाद में हमारी संस्कृति के प्रतीक जो कण कण में, जन जन में राम है, आज उन राम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण आज अपना स्थान मिला है, अपने भव्य मंदिर में आज स्थापित हो, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस भव्य अवसर का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आगामी कई कई वर्षों तक ये भारतवर्ष, ये जो देश सोने की चिड़िया था, वो आज वापस उसी तरह की समृद्धि की तरह जा रहा है। उसी समृद्धि को, उसी सोने की चिड़िया का जो स्वप्न है, जन जन की समृद्धि, एक एक व्यक्ति की समृद्धि, अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि, वो विचार, वो तपस्या, वो कल्याणमयी काम आज प्रभु श्री राम की वंदना के जरिए से होगा। एक बहुत गौरव की बात है, एक नए युग की शुरुआत है, जिस युग में भारत को, जो भारत का स्थान है विश्व में, वो स्थान इस तपस्या से मिलेगा। साथियों, मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करेंगे सभी मिलके साथ, और आज इस प्राण प्रतिष्ठा के, पवित्र प्राण प्रतिष्ठा का भाग लेंगे। आप हम सब बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है जो हजारों राम भक्तों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने प्राण दिए, बलिदान किया, आज उन सब की तपस्या को मेरा नमस्कार है, जन जन का नमस्कार है, जो 140 करोड़ भारतवासियों की जो स्वप्न है, वो स्वप्न आज पूरा होने जा रहा है। साथियों, हम सब मिलकर प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करेंगे, एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, महाप्रभु जगन्नाथ की, वीर माधव की। बहुत बहुत धन्यवाद।